एंड वेलकम टू लाइव किचन। मैं हूँ शेफ आयशा अपरार और मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमेशा की तरह, जिस तरह से हम आपके लिए शो लेके आते हैं मंडे से लेके फ्राइडे तक 12 से लेके 1 बजे तक, बिल्कुल इसी तरह आज भी हम आपके लिए शो लेके आए हैं और हम रेसिपीज बनाएंगे वही जो आपकी फरमाइश होती है, और उसके साथ साथ आपकी कॉल्स भी हम लेंगे। मेरा और आपका लाइव इंटरेक्शन हो सकता है 12 से लेके 1 बजे तक। आज आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी खाने पीने से रिलेटेड सवाल हो, कोई बात शेयर करना चाहें, कुछ कहना चाहें, या आपके बच्चे अगर पोयम सुनाना चाहें तो भी यू आर मोस्ट वेलकम। आज की रेसिपी भी एक सफर रेसिपी है। सफर रेसिपी का मतलब होता है कि आधी रात को अगर आपको भूख लगे और आपको उठ के कुछ समझ ना आए कि आप क्या खाएं, और वैसे आधी रात को खाना इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आप मोटे हो सकते हैं और आप सुस्त हो सकते हैं, लेजी हो सकते हैं, लेथार्जिक आप होंगे, लेकिन अगर आपको खाना ही है तो आप निमको और बिस्किट्स और ये सारी चीजें खा खा के आई एम श्योर बोर हो गए होंगे। तो इस वजह से आज हम बनाएंगे एक ऐसी चीज जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरी फैमिली में वो बहुत ज्यादा बनती है। एक्यूरेटली आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करना, तो एग्जैक्टली वही चीज बनेगी जो कि मैं अपने शो में बनाऊंगी। आज हम बनाएंगे पोटैटो पफ्स। पोटैटो पफ्स मैं बचपन से खाती आ रही हूँ और मेरी बहन बनाया करती थी, मैं भी बनाती थी घर में, सबको बहुत पसंद है। बेसिकली अब रमजान आने वाले हैं कुछ दिनों के बाद, तो ये पकौड़ों की जगह आप बना सकते हैं, और जो है वो एक फ्राइड आइटम है जो कि आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ हम बनाएंगे एक एनी टाइम डिप। एनी टाइम डिप का नाम एनी टाइम डिप इसलिए है क्योंकि ये इसमें सारी मैं वो चीजें इस्तेमाल करूंगी जो कि घर में हर वक्त अवेलेबल होती हैं, और अगर एक दो चीजें ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें आपके सामने अवेलेबल हो उन सब की को मिला के आपने उसकी एक डिप बना देनी है और वो बहुत मजे की बनती है। अच्छा, इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करें, मैं आपको ये बता दूं कि मदर्स डे संडे को है, 12th of May को है, हर साल आता है, लेकिन हर साल हमें सेलिब्रेट भी करना चाहिए क्योंकि 12th of May को मेरा और आपका साथ काफी मुश्किल लग रहा है। आपको पता है कि इलेक्शंस हैं और फिर हालात शहर के जो हैं वो थोड़े से अनसर्टेन हो जाते हैं, मुल्क के इनफैक्ट, तो हो सकता है कि मेरा और आपका जो है वो इंटरेक्शन ना रहे। इसी वजह से अभी से मैं आपको बता दूं कि प्लीज 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 संडे के दिन कहीं आउटिंग पे नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, अपनी माँ के साथ वक्त गुजारना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम दे उन्हें, उनके प्यार का इजहार आप जिस तरीके से भी कर सकते हैं आप करें। अगर आप कोई छोटी बच्ची हैं, कोई लड़की है, तो आप उनके लिए प्यारा सा कार्ड बना सकते हैं। अगर आप जो है वो एक लड़की हैं और कमाते हैं तो आपको अपनी माँ के लिए कुछ लेके आना चाहिए, और कुछ बहुत बड़ा लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एनीथिंग जिससे उनको पता चले कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हम रेसिपी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक कॉल है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? हेलो, मेरी आवाज आपको इसलिए सही नहीं आ रही क्योंकि आपका टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा है, अगर आप बंद कर देंगी तो हम आराम से बात। बंद है नहीं, अब ठीक, अब क्लियर आ रही है आवाज। बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं फरा? ठीक ठाक, आज तो बहुत प्यारी लग रही हैं आप। अरे थैंक यू, ये क्रेडिट जाता है आज हमारी मेकअप आर्टिस्ट रुजमा को, और उन्होंने बड़े दिल से तैयार किया, बहुत मेहनत की उन्होंने आज। जी, आपको एक सॉन्ग सुनाओ। बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं। हाय, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, आई एम सो सॉरी फरा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आपने मेरी दिल की आवाज को कैसे पढ़ लिया। और आजकल ये सॉन्ग बहुत फेमस है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जिसको ये सॉन्ग ना पसंद हो। और जब मैं ऑफिस में आती हूँ तो हमारे एक प्रेप शेफ होते हैं फवाद, तो वो ये सॉन्ग सुन रहे होते हैं और उसके बाद हम भी जो है वो बिल्कुल लॉस्ट हो जाते हैं सॉन्ग में। थैंक यू सो मच फरा, आई एम सो सॉरी आपकी कॉल डिस्कनेक्ट होगी, लेकिन बहुत ही अच्छा सॉन्ग गाया और आपने गाया भी बहुत अच्छा है इसको। अच्छा, अब हम एक सॉन्ग के साथ शुरुआत करते हुए अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। इस साइड पे जो प्लेस हुई हुई है ये है एनी टाइम डिप, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये मैं आपको अभी नहीं बताने वाली हूँ, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम आ जाएंगे पोटैटो पफ्स की तरफ। पोटैटो पफ्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पोटैटो पफ्स के लिए जो सबसे पहली चीज हमें चाहिए वो है चिकन स्टॉक।
हाफ कप। इसके साथ साथ बॉइल्ड पोटैटोस चाहिए हमें। आई रियली एडवाइज कि आप रेसिपी कार्ड में जो क्वांटिटी है प्लीज उसको आज एग्जैक्टली फॉलो कीजिएगा। आई नो पकौड़े समोसे में जो रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो एज इट इज फॉलो नहीं किए जाते, लेकिन इसमें बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी, इसका टेक्सचर बहुत मैटर करता है, काफी फ्लफी से बनेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मैदा इसमें चला जाएगा 4 टेबल स्पून। चेडर चीज आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप 2 टेबल स्पून कर लीजिए, चाहे तो आप 4 टेबल स्पून कर लीजिए। मक्खन इसमें ऐड हो जाएगा अगेन 4 टेबल स्पून, 4 खाने के चमचे मक्खन इसमें ऐड हो जाएगा। अंडे इसमें चले जाएंगे 2 अदद। नमक हसबे जायका, ज्यादा पसंद है ज्यादा ऐड कर लीजिए। लाल मिर्च का पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे हसबे जायका, आप चाहें तो आप इसमें काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें कोई मिर्च, कोई धनिया, कोई पुदीना ना डालें तब भी ये बहुत मजे के बनते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेज क्या है? सबसे पहले स्टेज इसकी ये है कि हम हाफ कप चिकन स्टॉक लेंगे। हाफ कप चिकन स्टॉक के अंदर हमने मक्खन को शामिल करना है और उसको पिघलाना है, लेकिन मेक श्योर उसको बॉयल नहीं होने देना। इसके साथ साथ सादिया की कॉल भी है हमारे पास, देखते हैं सादिया क्या कहती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जी? ठीक ठाक, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में, आप सुनाइए। जी अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। तबियत ठीक है? जी तबियत ठीक ठाक है, बिल्कुल फिट फैट हूँ मैं। और फरमाइए क्या कहना चाहेंगी? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है और इत्तेफाक से आज हमारी लाइट भी है। अरे लाइट है? जी जी आज है। अरे जबरदस्त, इस खुशी में तो आपको मिठाई बांटनी चाहिए, है ना? और आशा जी क्या बन रहा है आज? आज हम बना रहे हैं पोटैटो पफ्स, जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, मेरी फैमिली में बहुत बनते हैं और जरूर बनाइएगा, बहुत मजेदार चीज होती है ये। इंशाल्लाह जी, वैसे तो मैं हर डिश आपकी जो ना वो ट्राई करती हूँ, इंशाल्लाह ये भी करूंगी। बिल्कुल कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। और सादिया, अपनी माँ के लिए आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज जरूर कहिए। जी मैं माँ और बाप के लिए, दोनों के लिए कहना चाहती हूँ, जो लोग माँ और बाप की इज्जत करते हैं उनके लिए दुनिया में ही जन्नत है। अरे क्या बात है, जबरदस्त। कोई मैसेज देना चाहेंगी अपनी माँ के लिए आप? आई लव यू माँ मेरी। हाउ स्वीट, हाउ, आई एम श्योर वो शो अगर देख रही होंगी तो उनको बहुत खुशी होगी सुन के। हाँ जी, और अच्छा जी आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत सलाम। आपके वो काशिफ भाई हैं वो जो रिसीव करते हैं कल, बहुत अच्छे हैं, जब भी मैं कॉल मिलाती मिल जाती है मेरी। अरे वाह जबरदस्त, वो आपको वेलकम कह रहे हैं काशिफ भाई। और जो है वो बहुत हमारा जो सारी की सारी टीम है ना वो इतनी ज्यादा कोऑपरेटिव है कि हमें शो करने में भी बहुत आसानी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और आपको भी। बाय, अल्लाह खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल सादिया, बहुत अच्छा लगा सादिया से बात करके। और बड़ा मुझे खुशी होती है जब हमारी किसी फैमिली मेंबर, ऑफिस मेंबर की कोई तारीफ करता है, खुशी होती है। अच्छा अब आपने क्या करना है, देखिए मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि चिकन स्टॉक आपने इसमें शामिल किया है, जो चिकन स्टॉक मेरे पास था ना वो गरम हुआ हुआ था, मतलब उसमें हमने चिकन क्यूब डाल के उसको बनाया था तो बिल्कुल गरम गरम था, वो अभी भी वो बहुत गरम है, उसमें से धुआं निकल रहा है। तो उसमें हमने शामिल कर दिए 4 टेबल स्पून मक्खन के, ना कम ना ज्यादा, 4 टेबल स्पून मक्खन आपने शामिल कर दिया। इसको आपने बॉईल नहीं होने देना, इसको एज इट इज आपने रखना है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे मैदा। मैदा शामिल करने के बाद, थोड़ा सा स्टर करने के बाद हम इसे दोबारा से थोड़ा सा पकाएंगे। अच्छा एग्जैक्टली आपने देखना है कि मक्खन हमने 4 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है और मैदा हमने हाफ कप ऐड करना है। आज मैं रेसिपी कार्ड इस वजह से बार बार देख रही हूँ क्योंकि एक भी चीज ऊपर नीचे होगी तो वो टेक्सचर नहीं आएगा जो कि आना चाहिए। 1 कप जितना हमारे पास मैदा है, 1 कप से थोड़ा कम था इस वजह से हम हाफ कप मैदा इसमें ऐड कर रहे हैं। और अब हमने बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि आपने इस तरह का जो है वो एक स्पैचुला लेना है और सारी चीजों को अच्छे तरीके से आपस में लाइक दिस मिक्स करना है। जब आप इसको मिक्स करना स्टार्ट होंगे तो आपको एहसास होगा कि जो मैदा है उसमें बहुत ज्यादा जो है वो लम्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब भी आप किसी गर्म चीज में कॉर्नफ्लावर को या मैदे को शामिल करते हैं तो लम्स बनते हैं। अभी आपका काम है कि आप खड़े रह के इन लम्स को सही करेंगे। जब तक ये मिक्सचर स्मूथ नहीं हो जाएगा तब तक आपने इसे चलाते रहना है। जैसे ही आपको एहसास होगा कि जी ये स्मूथ होना शुरू हो गया उसके बाद आप इसे दोबारा पकाएंगे। अच्छा जी, इस तरह से आपने पकाना है। इसमें आपने ना बिल्कुल भी जो है वो सुस्ती नहीं दिखानी है, थोड़ा सा भी केयर फ्री अगर आप इसमें हो गए तो फिर जो आपके पोटैटो पफ्स हैं वो बहुत ही जो है वो मुंह में मैदा आता हुआ फील होगा। अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी है,
कि जब आप पोटैटो पफ्स बनाएं तो आप कोशिश करें कि नमक ये सोच के ऐड करें कि इसमें हमने चिकन स्टॉक जो शामिल किया हुआ है वो असली मुर्गी का नहीं है, वो वाला है जो चिकन स्टॉक्स आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं, यखनी मिलती है डिफरेंट ब्रांड्स की, क्यूब्स मिलते हैं चिकन क्यूब्स, उसमें ऑलरेडी नमक होता है। इसी तरह जो मक्खन हम इसमें इस्तेमाल हमने किया है येलो मक्खन, वो भी जो ब्रांडेड डिफरेंट ब्रांड्स के जो मक्खन मिलते हैं 200 ग्राम 100 ग्राम के बार मिलती है येलो कलर की, उसमें भी बहुत मक्खन होता है, तो मक्खन हम कम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने बनाया है ना इसका बैटर, इसको हमें थोड़ा पकाना है और इसको हम पकाएंगे हल्की आंच पे। ब्रेक में मैं इसे पकाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा है, क्योंकि इसके बाद हमें इसको ठंडा भी करना है। तो आप जल्दी से जाइए, जल्दी से ब्रेक लेके वापस आइए, लेकिन अभी इसका बहुत सारा काम बाकी है तो ये हम करेंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि जायका इसी में है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लाइव किचन। लाइव किचन में मैं शेफ आयशा अब्रार, सपर वीक सपर टाइम हम जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसमें हम बना रहे हैं पोटैटो पफ्स। पोटैटो पफ्स के साथ हम बनाएंगे एनी टाइम डिप। पोटैटो पफ्स के लिए अभी तक हमने सिर्फ इतना किया था कि हमने चिकन स्टॉक लिया था, उसमें हमने मक्खन शामिल कर दिया था। जब दोनों चीजें ऑब्वियसली चिकन स्टॉक तो पिघला हुआ होगा, जब मक्खन पिघल जाएगा उसके बाद हमने उसमें मैदा शामिल कर देना है और हमने उसे हल्की आंच पे पकाना है, पहले उसके लम्स को खत्म करने के बाद। जब आप उसे पकाते रहेंगे तो आपको एहसास होगा कि उसका जो टेक्सचर है ना वो ऐसा हो जाएगा, यानी कि बर्तन को वो छोड़ देगा, उसमें जो मक्खन है उसमें जो मैदा है वो बिल्कुल कंप्लीटली पक जाएगा और एक डो जो है वो बन जाएगी इस तरह से, और ये जो आपका बर्तन है ना ये बड़ा खाली हो जाएगा, बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा इस तरह से। जैसे ही आप इसको जो है वो रिमूव करेंगे सब कुछ मूव हो जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब मैं लाऊंगी एक बोल और सबसे जरूरी काम ये है कि इस मैदे को, मक्खन को और चिकन स्टॉक को हमें करना है ठंडा। तो मैं एक बोल लाऊंगी और आपको पता है कि अगर आप इसी पैन में इसको रहने देंगे तो ये देर में ठंडा होगा, क्योंकि सॉस पैन में ऑलरेडी काफी गर्मी मौजूद है, क्योंकि इसी में ये पका है। अच्छा, ये हम इसलिए कर रहे हैं बेसिकली कि हमने ना मैदे की का कच्चापन खत्म करना है, वरना अगर ये फ्राई होगा इसमें आलू भी ऐड हुए हुए तो मैदा जो है वो काफी कच्चा कच्चा सा आपको फील होगा। जब भी आप कोई चीज फ्राई करते हैं, अंदर कोई चीज शामिल करते हैं, ऊपर मैदा लगाते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ऊपर का मैदा पक जाता है, लेकिन ये अंदर का इसका जो है वो बैटर है, अंदर ऊपर दोनों का है, क्योंकि हमने कोई भी इसमें जो है वो ऊपर से एक्स्ट्रा फिलिंग नहीं करनी। इस तरह से हमने इसे ठंडा करना है और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है देखने में जैसे चने की दाल का हलवा है, लेकिन चने की दाल का हलवा नहीं है। आप हमें कॉल भी कर सकती हैं, रेसिपी के बारे में कुछ पूछना चाहें जरूर पूछिए, मदर्स डे के बारे में कुछ कहना चाहें प्लीज जरूर कहिए, क्योंकि संडे को मेरा और आपका साथ नहीं होगा। और अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं जो कि आई एम श्योर करते होंगे, तो अगर कोई भी मैसेज देना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, ये ठंडा होता रहेगा, इसको मैं प्लेस करूंगी साइड पे। अब हम क्या करेंगे, अब हमने तोड़ने हैं दो अंडे और दो अंडों को तोड़ के हम एक बोल में ऐड करेंगे, ना कम ना ज्यादा, दो ही आपको चाहिए इसके लिए। मीडियम साइज के हों तो अच्छी बात है, अगर छोटे हों तो आप तीन अंडे भी ले सकते हैं और बड़े हों तो डेढ़ अंडा ले लीजिए। अच्छा, ये हो गया, आई वॉज होपिंग कि ये खराब ना निकले, वरना फिर जो है वो दूसरा अंडा भी जाया हो जाता। अब हम क्या करेंगे कि एक विस्क की मदद से पहले तो अंडों को फेंटेंगे। अच्छा, जब भी आप बेकिंग करें, आप कुछ खाना पकाएं, कुछ भी करें, और अगर उसमें अंडों का इस्तेमाल है और किसी गर्म चीज का इस्तेमाल है, तो कोशिश करें कि जो गर्म चीज है वो बिल्कुल कंप्लीटली ठंडी हो जाए, उसके बाद आपने उसमें अंडे शामिल करने, वरना स्क्रैम्बल्ड एग्स बन जाएंगे। अच्छा, इस तरह से जो है वो हम अंडों को फेंट लेंगे। मेक श्योर सफेदी जर्दी सब आपस में मिक्स हो जाए, और फिर हमने क्या करना है कि बॉइल्ड आलू जो है वो आप एक कप भी ले सकते हैं, हाफ कप भी ले सकते हैं, जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें वो हाफ कप लिखे हुए हैं, लेकिन क्योंकि मुझे आलू बेपनाह पसंद है, सुबह शाम दोपहर में आलू खा सकती हूँ और आलू खा के बहुत खुश भी रह सकती हूँ, तो इस वजह से मैं इसमें वन कप आलू ऐड करूंगी। थोड़ा सा इसका जो टेक्सचर है वो ज्यादा हैवी हो जाएगा आलू ज्यादा ऐड करने की वजह से, लेकिन अगर आपको एज इट इज लाइट से पफ्स चाहिए तो फिर आप इसमें हाफ कप आलू शामिल करेंगे, एक कप से कम ही मैं शामिल कर देती हूँ, बस इतने मैंने शामिल कर दिए इसमें बॉइल्ड आलू। चेडर चीज इसमें ऐड हो जाएगी, चेडर चीज को हम शामिल करेंगे तकरीबन वन, ये आपकी चॉइस है, ये आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे ज्यादा टेक्सचर का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा कर देंगे तो वो बिल्कुल पिघल के बाहर आ जाएगी। 3 टेबलस्पून चेडर चीज चली गई। लाल मिर्च का पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर हम अच्छा खासा शामिल कर देंगे, क्योंकि
मुझे पफ बहुत स्पाइसी पसंद है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर पफ जो है वो स्पाइसी ना हो। अच्छा मैं काम करूंगी कि ये जो हमने डो बनाई है ना उसको थोड़ा सा चखूंगी और इसके अकॉर्डिंगली इसमें नमक शामिल करूंगी। उस डो के लिए नमक परफेक्ट है, इसमें इतना नमक शामिल हम करेंगे कि इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाए वो, क्योंकि जब भी आप कोई चीज फ्राई करते हैं तो उसमें थोड़ा नमक करारा अच्छा लगता है, अगर आप फीका फीका रहने देंगे तो मजा नहीं आएगा फिर। अब हमने अंडे को, आलू को, नमक, लाल मिर्च, सारी चीजों को हमने करना है मिक्स। आलू के ना इसमें कहीं कहीं आपको चंक्स फील होने चाहिए, बिल्कुल आपने क्रीमी मैश नहीं करना आलुओं को। आज जिस तरह से हमारे प्रेप शेफ फवाद ने किए हैं आलू को चॉप कह रही हूँ मैश, बहुत अच्छा किया है। ये जो आपको पीसेस फील होने हैं ना ये आने चाहिए मुंह में, पोटेटो पफ्स में जब ये पीसेस फील होंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। और इसके साथ साथ हमारे शो की जो लाइव है, लाइव कॉलर जो है लाइवली से उनकी भी कॉल आ गई है, मंजूर इलाही साहब की, देखते हैं क्या कहते हैं वो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ऐसा भी मंजूर इलाही कोर्ट ने जी बुला रही पूर से लाइव किचन में, क्योंकि जायका इसी में है। क्या बात है, जबरदस्त, वेरी नाइस, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ डॉक्टर साहब, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं तारीफ करने के बगैर आज नहीं रह सकता। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, आप तारीफ करते हैं तो ऐसा लगता है कोई फैमिली मेंबर तारीफ कर रहा है। बिल्कुल है, बिल्कुल हम आपके भाइयों की तरह हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, खुशियाँ नसीब करे। और मैं साथ साथ ये भी कहता चाहूंगा कि प्लीज इस दफा वोट आपने सोच समझ के देना है। मैं समझ गई, बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि आप सोच समझ के जो इसका हकदार हो उसको आपने वोट देनी, और तमाम सुनने वाले रेगुलर कानून को भी कहूंगा कि बिल्कुल सोच समझ के वोट दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और कह नहीं सकती मैं इस तरह, लेकिन आप शायद समझ गए होंगे कि मैं किसको वोट देने वाली हूँ, मुझे तो एक ही ऑप्शन नजर आता है। मैं समझ गया हूँ, मैं भी उसी के साथ हूँ जिसके साथ आप हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और जो है वो आप मुझे ये बताएं कि आपकी वालिदा मुहतरमा हयात है? नहीं, मेरी वालिदा भी नहीं है और मेरे वालिद साहब भी नहीं है। अच्छा, और उनकी दुआओं के साथ आज तक मैं हूँ, लेकिन ये है कि चले आप लोगों का हमें दुआएं हैं और लोगों की हैं, मेरी फैमिली की दुआएं हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी दुआओं से मैं चल रहा हूँ। अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब को, मेरी वालिदा को आखिरी सफर में उनको मतलब जो भी हम दुआएं करें वो काम है उनके। बिल्कुल लिए ना? बिल्कुल, अल्लाह ताला जो है वो उनको जन्नत में बहुत आला मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन, और थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। मंजूर लाही साहब जब भी कॉल करते हैं तो बड़ा मजा आता है उनसे बात करके, उनकी बातें सुन के। और हमने मंजूर लाही साहब से बात करते हुए क्या किया है कि हमने सारे का सारा मैदे का और मक्खन का मिक्सचर मैंने टच किया था फिंगर से, और मुझे एहसास हुआ था कि नीम गर्म है। कोशिश करें कि रूम टेम्परेचर का हो जाए, लेकिन अगर रूम टेम्परेचर का नहीं हो पाता कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको जल्दी जल्दी से मिक्स करेंगे, लेकिन बिल्कुल गर्म प्लीज शामिल मत कीजिएगा, अंडे इसमें पक जाएंगे बिल्कुल। अच्छा, ये इसका स्टिकी सा टेक्सचर आएगा, और जब भी आप पोटैटो पफ्स बनाएं कभी भी इसकी शेप जो है वो गोल नहीं आ सकती, क्योंकि पफ का मतलब ही होता है कि पफ जैसी उसकी शेप होगी। तो आपने इसको 2 स्पून की मदद से पकाना है। अच्छा, हम क्या करेंगे जब इसको मिक्स करते रहते हैं, अभी बाद में तक हम ऑयल गर्म करते हैं। ऑयल गर्म होने के लिए हम रख देंगे, और ऑयल के बारे में एक टिप कि मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, मैं उसके घर जाके जब भी खाना खाती थी तो जो फ्राइड चीजें मैं खाती थी मुझे फील होता था कि इसमें कोई ऑयल ही नहीं है, तो एब्जॉर्बेंट पेपर उसकी अम्मी इस्तेमाल करती थी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं। आई नो कि ऑलिव ऑयल जैतून का तेल बहुत एक्सपेंसिव होता है, ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कम क्वांटिटी में ऑयल इस्तेमाल करें तो आप शायद अफोर्ड कर पाए। आप ये कर सकते हैं कि कम क्वांटिटी में डीप फ्राइंग के लिए ऑयल रखें, हमारे पास बहुत सारा है, लेकिन आप चाहें तो कम भी रख सकते हैं। और उसके बाद एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया, आहिस्ता आहिस्ता करके वही ऑयल वही तेल आपने खाने में इस्तेमाल करना है। उससे ये होगा कि जो वो तेल बिल्कुल काला हो जाता है, 8 से 9 बार इस्तेमाल होता है घर में, कैंसरस हो जाता है, बुरा होता है आपकी सेहत के लिए, वो नहीं होगा। अच्छा जी, पोटैटो पफ्स का मिक्सचर हम इस तरह से जो है वो चला रहे हैं, और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी शामिल कर दूं, तो मैं ये कर रही हूँ। ये आपकी जो है वो मर्जी है, आप चाहें तो ब्लैक पेपर पाउडर शामिल करें, कोई अगर हरी मिर्च शामिल करना चाहें कर दें, लेकिन इसका मजा लाल मिर्चों के साथ आता है। अच्छा, ये हो गया, इन सारी चीजों को हम अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। और एक बड़ी जरूरी बात पोटैटो पफ्स के बारे में,
वो ये कि ये पफ्स बनाते ही आपने सर्व कर देने, आपने वेट नहीं करना है, जब आपको ये फ्राई करने हो तभी आपने ये बनाने हैं और उसी वक्त सर्व करने हैं। व्हाट यू कैन डू, ये जो स्टेज है ना इसकी, इस तरह से बना के क्लिंग फिल्म रैप आप इस पे लगा के रख सकते हैं और उससे फायदा ये होगा कि जब आपको फ्राई करने आप कर सकते हैं। एक और टिप, टिप्स ही नहीं खत्म होती मेरे पास, एक और टिप ये कि आपने इसको ठंडा करके रखना है। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो जब ये गरम गरम तेल में जाएगा तो एक ठंडी चीज आपको पता है जब गरम तेल में जाती है तो बहुत क्रिस्पी हो जाती है ऊपर से, ये भी एक टिप है। और ये आलू का जो पीस नजर आ रहा है ना इस तरह, इसको प्लीज खत्म मत कीजिएगा क्योंकि यही इसका ब्यूटी है। जब आपको पता चलेगा कि आलू आपके मुंह में आ रहा है तभी आपको मजा आएगा। बिल्कुल लिक्विड ही आप कर देंगे, बिल्कुल पाउडरी कर देंगे, आपको लगेगा बच्चों का जो सीरियल आता है आप वो खा रहे हैं, तो वो मत कीजिएगा प्लीज। अच्छा ये हो गया, इसको मैं प्लेस करती हूँ साइड पे। अब हम क्या करेंगे कि हम करते हैं अपना काउंटर क्लियर और एक छोटा सा हम रिकैप कर देते हैं पोटैटो पफ्स का। पोटैटो पफ्स का हम रिकैप करेंगे लेकिन हमें अभी एक ब्रेक पे जाना है, तो हम जल्दी से ब्रेक पे जाएंगे और जल्दी से वापस आएंगे, आने के बाद रिकैप करेंगे, उसके बाद मैं फ्राइंग स्टार्ट करूंगी आपके सामने। तो जल्दी से आए और जल्दी से वापस आ जाए क्योंकि जायका इसी में है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक वीवर्स, आप देख रहे हैं लाइव किचन। लाइव किचन में शेफ आयशा अब्रार आज बना रही हूँ पोटैटो पफ्स। पोटैटो पफ्स के साथ हम बनाएंगे एनी टाइम डिप, इसका मैं रिकैप करूंगी लेकिन पहले मैं पोटैटो पफ्स को फ्राई करना स्टार्ट कर दूंगी। मैं पहले से कर रही हूँ एनी टाइम डिप, बाद में बना रही हूँ, लेकिन आपने ये तभी फ्राई करने हैं जब आपने सर्व करने हैं। अच्छा, दो स्पून हम लेंगे और मेक श्योर ऑयल गर्म हो गया है। ये वाला जो आप ये ग्रैनुल देख रहे हैं ये मैंने इसमें शामिल किया था सो डैट मैं देख सकूं ऑयल गर्म हुआ है या नहीं, और परफेक्टली गर्म हो गया है। इस तरह से हमने एक पफ लेना है, इसको हमने ऐड करना है इसमें। मुझे लग रहा है ऑयल अभी थोड़ा सा और गर्म होना चाहिए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और तब तक मैं आपको ये बता दूं कि प्लेट पे जो है वो मैंने एब्जॉर्बेंट पेपर निकाल दिया है, इसको हमने जो है वो इस पे रखना है, स्पाइडर वेब की मदद से हम इसे बनाएंगे और अब आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसे ऐड कर देते हैं। अच्छा, ये जो पफ्स हम बनाएंगे ये हम दरमियानी आंच पे बनाएंगे, मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे, ना तो फ्लेम बहुत ज्यादा तेज हो और ना ही फ्लेम बहुत ज्यादा हल्का हो। अगर तो फ्लेम बहुत ज्यादा हल्का होगा तो फिर ये होगा कि ये बहुत ही जो है वो ऑयल को पिएंगे लिटरली और आपको बहुत ज्यादा जो है वो हैवी फील होंगे ये। और अगर फ्लेम बहुत ज्यादा तेज होगा तो ये ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे तो नहीं मैं कहूंगी क्योंकि इसमें हर चीज पकी हुई है, अंदर से जो है ना ये बहुत ही बोरिंग से रहेंगे, अंदर से हीट तक नहीं पहुंचेंगे अंदर तक, और अंदर से जो है वो मुलायम नहीं होंगे जैसे ये होने चाहिए। टेक्सचर आई एम श्योर कि आपने इनका देख लिया होगा, एग्जैक्टली ऐसा ही टेक्सचर आपको भी चाहिए। और जब भी आप कोई अंडे वाली चीज फ्राई करते हैं तो अंडा जो है वो ऊपर झाग इसके आ जाती है। अच्छा जी, हम हाफ हाफ टर्म फ्राई करेंगे सो डैट अगर हम बहुत ज्यादा एक बार में कर देंगे तो सारी चीजें आपस में चिपक जाएंगी और फिर होगा ये कि वो क्रिस्पी क्रंची बन ही नहीं पाएगा। बार बार जब भी आप कोई चीज फ्राई करती हैं प्लीज उसको बार बार चम्मच मत चलाया करें क्योंकि उसके ऊपर का क्रस्ट खराब हो जाता है। अगर मैं इस वक्त इस पर ये स्पाइडर वेब लगा दूंगी तो स्पाइडर वेब के ऊपर ये जो सारी हमारा मुरक्कब है ये सारा लग जाएगा, तो कोशिश करें थोड़ा सा एक तरफ से कलर आ जाए, ब्राउन हो जाए एक तरफ से, उसके बाद आपने इसे जो है वो पलटना है। अच्छा, और इसके साथ मदर्स डे क्योंकि संडे को है, संडे को तो साथ होगा नहीं हमारा, मेरी मदर मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है और आई एम श्योर कि आपकी मदर भी आपके लिए स्पेशल होंगी, लेकिन आई रियली एडवाइस सारी उन लड़कियों को जो मेरे जितनी हैं, जो मुझसे बड़ी हैं, जो मुझसे छोटी हैं, कि अगर आप अपने दोस्तों को बहुत टाइम देती हैं और अगर आप अपनी माँ को टाइम नहीं देती ये सोच के कि मम्मा तो हर वक्त डांटती रहती हैं, तो कोई बात नहीं, मम्मा का काम होता है डांटना और जब मम्मा आपको डांटती हैं तो वो आपके भले के लिए डांटती हैं। मेरी मम्मा मुझे बहुत डांटती है, मेरी मम्मा मुझे हर बात पे डांटती है और लेकिन मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है क्योंकि उस चीज से मैं बेहतर होती हूँ। और कभी वो मुझे बोलती है कि ये चीज तुम ढंग से नहीं करती हो, उसको सही से करो, और जो बातें हैं अगर मैं उन पर अमल करूँ तो मैं एक बेहतर इंसान बन सकती हूँ। एंड सेम गोज फॉर यू, इसी तरह से जो है वो माँ की कदर करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। अगर आपके सर पे सलामत है तो आपको खुश होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे पास एक कॉल भी है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारी? एक माँ बात कर रही हूँ। ओके, कैसी हैं आप? मेरी जान आयशा, कितना प्यार आपने मुझे दिया है, जितनी कदर आप मेरी करते हो मैं चाहती हूँ दुनिया की हर बेटी अपनी माँ की इतनी कदर करे। और जो अल्लाह ताला ने आपकी शक्ल में मुझे ब्लेसिंग दी है
मैं अपने अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम नहीं, मेरे पास अल्फाज नहीं। मम्मा यार मैं शो में रो पड़ूंगी, ऐसे नहीं करें। मैं बहुत जज्बाती हो गई मेरी जान, अल्लाह मैं आपको दुनिया की हर नेमत से नवाजे, मेरी जान अल्लाह आप बहुत खुशियों से नवाजे, और आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं सबको मेरा सलाम, अल्लाह पाक उनकी माँ को भी उनके साथ सलामत रखें, क्योंकि माँ की जो दुआ आती है उसमें जो असर होते हैं वो मैं जानती हूँ। थैंक यू सो मच मम्मा, और इससे इम्पोर्टेंट, इससे अच्छी मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती थी कि मेरी माँ की मेरे शो पे कॉल आई है मदर्स डे के हवाले से, और जो है वो मम्मा मेरी कोई तारीफ करते हैं। मैं आपकी तारीफ करूंगी, मेरी सबसे बड़ी तारीफ है कि अल्लाह ने जितनी प्यारी बेटी मुझसे मुझे नवाजा है, मैं समझती हूँ कि दुनिया में हर माँ को ऐसी बेटी मिलनी चाहिए, ऐसी बेटी जो माँ के साथ शाना पसाना करती है, माँ जरा सी बीमार होती है तो बेटी उसकी आफूमत में लग जाती, जितना ख्याल और प्यार आपने मुझे दिया शायद किसी ने नहीं करती हूँ। इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मैं बहुत कुछ कहना है लेकिन आप कहती हूँ वेरी सेंटिमेंटल, आपके जो रेगुलर कॉलर हैं मिस्टर मंजूर इलाही साहब, फहद कुरैशी और आपके डॉक्टर शाह, उनको भी मेरा खुशी सलाम, और सबके लिए दुआएं स्टेट लेस मैं चाह रही हूँ, अल्लाह पाक आपको दुनिया की हर नेमत से नवाजे, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हों। थैंक यू सो मच मामा, थैंक यू सो मच, और मामा ने मुझे इतनी दुआएं ना वैसे दी हैं लेकिन इतनी सारी एक साथ कभी नहीं दी, तो आई एम वेरी हैप्पी। हमेशा दी है जानो, हमेशा दी है। अच्छा मैं तो तंग करती रहूंगी आपको मामा, और यह है कि आप मैं बाकी का तंग आपको घर आने के बाद करूंगी, सही है? थैंक यू मामा, बहुत अच्छा लगा मामा से बात करके, और आई एम श्योर कि आप भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते होंगे। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं कि हम पटेटो पफ्स को जो है वो फ्राई कर रही हैं, और ये कर रहे हैं हम कि जब ये ऑयल थोड़ा सा और गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें और पफ शामिल करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एनी टाइम डिप की तरफ आ जाएंगे। अच्छा इसको थोड़ा सा जो है ना वो ऑयल ड्रेन करना है हमने, स्पाइडर वेब पे रखने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ऑयल जो है वो ड्रेन हो जाता है, और आई एम श्योर कि आप देख सकते होंगे आसानी से, और अगर हमारे जो अली भाई हैं अगर मुझे इजाजत दे दो मैं इसको एब्जॉर्बेंट पेपर पे जो है वो निकाल लूं। अच्छा ये मैंने जो है वो निकाल लिए हैं, दूसरी टाइम हम फ्राई करेंगे, एंड आई एम सीरियसली ओवरवेलमिंग वाली जो सिचुएशन आप कहती हैं ना वो है मेरे साथ, और कभी भी आपने कुछ भी अच्छा किया हो अपनी लाइफ में तो अपनी माँ को जरूर याद रखा करें क्योंकि वो सब उनकी दुआओं की वजह से होता है। अच्छा पटेटो पफ्स को हम शामिल करेंगे, थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है फ्लेम तेज है तो मैं फ्लेम को करती हूँ कम क्योंकि ऑयल आपको पता है बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। हम इस तरह से इसको करते हैं शामिल, मेक श्योर जो आपके पफ्स हैं पटेटो पफ्स वो बहुत ज्यादा बड़े ना हो, अगर वो बहुत बड़े होंगे अगेन अंदर से वो मजे के नहीं होंगे और ऊपर से वो ब्राउन हो जाएंगे। अच्छा जी सबको हम कर देते हैं शामिल, जाया हमने कुछ भी नहीं करना बिकॉज ये काफी एक्सपेंसिव वाले पटेटो पफ्स है, मक्खन है इसमें, मैदा है, चेडर चीज है, आप चाहें तो आप इसमें मोज़रेला चीज भी ऐड कर सकते हैं, चीज यानी पनीर आपको जिस टाइप का ऐड करना है वो आपकी मर्जी है, बाकी चीज आपने बिल्कुल एज इट इज फॉलो करनी है। एक पफ के बराबर का मसाला बच गया, इसको हम निकालते हैं और इसको हम फ्राई करेंगे, बोल को मैं प्लेस करूंगी पीछे, और अब हम आ जाएंगे हमारी एनी टाइम डिप की तरफ। एनी टाइम डिप की तरफ आने से पहले मैं आपको ये बता दूं, छोटा सा रिकैप कर देती हूँ पटेटो पफ का। पटेटो पफ के रिकैप में सबसे पहले तो हमने ये किया था कि हमने चिकन स्टॉक लिया था, चिकन स्टॉक में हमने मक्खन शामिल किया था, उन दोनों चीजों को जैसे वो पिघल गई उसके बाद उसमें हमने ऐड किया मैदा, और मैदा ऐड करने के बाद हमने फ्लेम ऑफ कर दिया, एंड वी मेड श्योर कि वो पेंदा अच्छे तरीके से छोड़ दे, बिल्कुल कम्प्लीटली पक जाए। जब वो कम्प्लीटली पक जाए आपने उसे कर लेना है ठंडा, अलग से जब तक आप उसे ठंडा कर रहे हैं अलग से एक बोल में आपने क्या करना है कि आपने लेना है दो अंडे, उसमें आपने मैश पोटैटोज ऐड करने हैं, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, कोई ज्यादा स्पाइसेस ऐड करने की जरूरत नहीं है, और उसके साथ आपने ये करना है कि चेडर चीज या मोज़रेला चीज व्हाटएवर यू वांट आप उसमें ऐड कर सकते हैं, सारी की सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिला लेना है, और उसके बाद आपने इसे गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेना है। इस वालों को मैं देखती हूँ गोल्डन ब्राउन हमने करेंगे। अच्छा जी जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, और वो ये आया है कि जो हमारे पास बचे हुए मैश पोटैटोज थे ना उनसे हम बनाएंगे सीजनड मैश पोटैटोज, ऑल्दो ये रेसिपी कार्ड में कहीं नहीं है लेकिन क्योंकि बच गए तो और टाइम भी है तो हमने सोचा है कि इसको कर लेते हैं। मैश पोटैटोज मैं ला रही हूँ, और मैश पोटैटोज हम यूज करेंगे तकरीबन 1 कप,
ये चले गए। अगर आपके पास दूध है वेल एंड गुड, दूध नहीं है तो आप हल्का सा पानी ऐड करें सो दैट ये लिक्विड हो जाए, लेकिन आई प्रेफर कि दूध हो। पानी हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। नमक, काली मिर्च इसमें हम ऐड करेंगे हसबे जायका। नमक चला गया, इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। और प्लीज परेशान नहीं होइएगा, ये रेसिपी कार्ड में कहीं भी नहीं है, अभी बस मेरा दिल किया तो मैंने सोचा कि मैं ये बना लूं। और चीजें इसमें शामिल करेंगे, लेकिन पहले हम पोटैटो पफ्स को ना निकाल लेंगे। और बिल्कुल खूबसूरत कलर आया है, इससे ज्यादा आपने कलर नहीं देना है। सारे के सारे पफ्स को एक ही बार निकाल लेंगे इस तरह से। जब भी आप ऑयल डीप फ्राइंग का काम करें ना, कोशिश करें कि ये जो आपका पैन है ना, जिसको मैंने इस वक्त पकड़ा हुआ है, इसको आप भी कोशिश करें पकड़ लें, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि इसके नीचे ऑयल लगा रह जाता है और ये स्लिप हो जाता है, और अगर ये स्लिप हुआ और अगर ये आप पे गिरा तो वो एक नाइटमेयर से कम नहीं होगा, और ये एक बार हमारे जो शानी है उनके साथ हो चुका है, तो अच्छा खासा आप जल जाते हैं, इस वजह से जो है वो थोड़ा सा एहतियात करें। अच्छा, ये पफ्स बिल्कुल कम्प्लीटली रेडी हो गए हैं, इनको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और दोबारा से हम आ जाएंगे मैश पोटैटोज की तरफ। इनको हमने एब्सॉर्बन पेपर पे प्लेस करना है लाइक दिस। और अब हम आ जाएंगे मैश पोटैटोज के अंदर, जिसके अंदर हमने पोटैटोज शामिल किए हैं, इसके अंदर हमने सॉल्ट शामिल किया है, ब्लैक पेपर शामिल की है, और हमने पानी शामिल किया है। अच्छा, अब इसमें चली जाएगी पानी। आप सोच रहे होंगे कि पानी का क्या मकसद है मैश पोटैटोज में, दूध शामिल करें, दूध ना हो तो पानी शामिल करें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चेडर चीज, जो कि पीछे प्लेस हुई हुई है, पीछे से ला रही हूं। और इसमें हम चेडर चीज ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर हमारे पास है, और होती तो हम और भी शामिल कर देते, कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छा मजे का इससे जो है वो फ्लेवर आ जाएगा। ये हो गया, अब हम इसमें ऐड करेंगे ओरिगैनो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही मजेदार फ्लेवर आता है ओरिगैनो से इसका। ये हमारे पास ओरिगैनो रखी हुई है, अगर आप चाहें तो मिक्स्ड हर्ब्स भी शामिल कर सकते हैं, 1 पिंच ओरिगैनो। ये हो गया मक्खन। मक्खन के बगैर मैश पोटैटोज जो हैं वो बिल्कुल इनकम्प्लीट हैं। मक्खन हम सारा शामिल करेंगे बिकॉज आई लव मक्खन। और आप चाहें तो ये जो मैं एनी टाइम डिप बना रही हूँ उसमें भी आप मक्खन शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये मैश पोटैटोज में और भी ज्यादा मजे के लगेंगे। और ये बहुत ही जो है वो लिक्विडी सा, स्टिकी सा हो गया है। और इस सब चीजों को हम अच्छे तरीके से आपस में मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से हमने करना है इन्हें मिक्स। और ये जो आप इसमें लेसेस डेवलप होते हुए देख रहे हैं ना, ये बहुत ही मजेदार लग रहे हैं। फ्लेम मैं कर दूंगी ऑफ क्योंकि सारी चीजें इसमें पकी हुई हैं। अच्छे तरीके से हम करेंगे सारी चीजों को मिक्स। अच्छा, मैश पोटैटो जब आप बाजार में खाते हैं ना, तो मुझे वो वाले मैश पोटैटो बहुत बुरे लगते हैं जो ड्राई होते हैं, नमक मिर्च डाल के वो उनको दे देते हैं आपको। लेकिन अगर आपने इसमें अपने डेज बर्थ के हिसाब से सीजनिंग ऐड की है तो बहुत मजे के बनेंगे वो। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम आ जाएंगे एनी टाइम डिप की तरफ, जो कि 4 से 5 मिनट के अंदर बन जाएगी। आपने जल्दी से जाना है ब्रेक पे, जल्दी से वापस आना है। जब आप वापस आएंगे हम एनी टाइम डिप स्टार्ट करेंगे, सारी चीजों को जो है वो हम वाइंड अप की तरफ लेके आएंगे। तो जल्दी से आप ब्रेक लेके वापस आए क्योंकि जायका इसी में है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लाइव किचन। लाइव किचन में मैं शेफ आयशा अबरार आज बना चुकी हूँ पोटैटो पफ्स। पोटैटो पफ्स के साथ हमने एक डिफरेंट काम किया है, हमने स्क्यूबर्स लिए हैं, उसमें हमने कुछ टमाटर जो हैं वो क्यूब्स करके रखे हुए थे वो हमने लगाए हैं, हरी मिर्च हमने लगाई है। और अब हम क्या करेंगे कि हम जल्दी से झटपट एनी टाइम डिप बना लेंगे। एक स्पून मुझे चाहिए होगा एनी टाइम डिप बनाने के लिए, और मैं ये करूंगी कि इसमें केचप शामिल करूंगी मैं 1 कप। ये चली गई। इसके साथ साथ हमने शामिल करना है इसमें मेयोनेज 1 कप। ये चला गया, अच्छे तरीके से इसे निकाल लेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। ये चली गई। और सोया सॉस ऐड करेंगे अगेन 1 टेबलस्पून के बराबर। ये चली गई। और हम ऐड करेंगे इसमें चिली सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसमें हम ऐड करेंगे तिल, सफेद तिल हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। ये चले गए। इसके साथ साथ भुना हुआ पिसा हुआ धनिया हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। भुना हुआ पिसा हुआ जीरा हम इसमें शामिल कर देंगे
वन टीस्पून के बराबर ली, लेकिन ये जो है वो भुना हुआ है, पिसा हुआ नहीं है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा कम ही ऐड किया है। नमक चला जाएगा हसबे जायका। ब्लैक पेपर का पाउडर इसमें हम शामिल करेंगे कोई 3 पिंचेस के बराबर। चॉप्ड गार्लिक हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। और हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर का पेस्ट, बहुत ही कम। अगर आप जिंजर के पेस्ट को इसी तरह से शामिल कर देंगे बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली आप उसे पकाएंगे नहीं, तो बहुत ओवर पावरिंग लगेगा। इस वजह से सिर्फ 1 पिंच के बराबर हम इसमें शामिल कर देंगे। और ओरिगैनो हम इसमें शामिल कर देंगे अच्छी खासी, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, ये चली गई। मिक्स्ड हर्ब्स हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। दैट्स जस्ट अबाउट इट। अब सारी चीजों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है और आप देख रहे हैं कि दुनिया की जो चीजें हमें मिली हमने सारी इसमें जो है वो ऐड कर दी एनी टाइम डिप में। इसी चीज को आप कॉकटेल भी कह सकते हैं, क्योंकि जब आप मेयोनेज में केचप ऐड करते हैं तो वो जो है वो कॉकटेल बन जाता है। बेसिकली ये आइडिया मुझे मेरे एक फ्रेंड से आया था, और उसने, हम जहाँ पे शेफ का कोर्स करते थे वहां से उसने एक चीज बनाई थी, और उसने क्या किया था कि केचप में ओरिगैनो हर्ब्स और चॉप्ड गार्लिक को और कुटी हुई लाल मिर्चों को शामिल कर दिया था, तो वो बहुत मजे का फ्लेवर लगता है आपको खाने में, और आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यमी लगता है। अच्छा, हम करेंगे क्या कि हम इसकी एक लेयर जो है वो लगा देंगे तरह से, ये हो गया। और थोड़ी सी मैं चाह रही हूं कि जो हमारे पास बारबेक्यू सॉस है ना, इसकी भी मैं लेयर लगाती हूं, ये हो गई। और चिली सॉस लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इसकी लेयर लगाएंगे। इसकी लेयर तो क्या लगेगी, ये तो बेचारी खुद ही बह गई, कोई बात नहीं। अच्छा, ये हो गया, थोड़ा सा कवर कर देती है। दिस इज नाउ डन। अब हम ये करेंगे कि ये जो हमने एनी टाइम डिप बनाई है, सारी की सारी डिप को हम प्लेस कर देंगे एक बोल में, और ये कोई झंडा बन गया है। अब आप ये गेस करेंगे कौन से मुल्क का फ्लैग बना है। अगर आप ये गेस करेंगे तो फिर हम आपकी रेसिपी बनाएंगे अपने नेक्स्ट शो में। अच्छा, ये सारी जो एनी टाइम डिप है ये हम कर देंगे सर्व। आप चाहें तो आप इसे कोरिएंडर के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसे पर्सली के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये हो गया। और हम क्या करेंगे, पार्सली हमारे पास है बड़ा प्यारा फ्रेश फ्रेश, और थोड़ा सा हम, बहुत सारा है ये, तो हम थोड़ा सा इससे इस तरह से ऐड कर देंगे। साथ में मैश पोटैटोज, ये बहुत ही लिक्विडी मैश पोटैटोज हैं। थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि अगर लिक्विडी मैश पोटैटोज हो तो आप इसे जो है वो शेप नहीं दे सकते। अच्छा जी, इस वाले को हम थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं। उप्स, ये बिल्कुल जो है वो हिल गया है बेचारा, कोई बात नहीं। अच्छा, थोड़ा सा मैं काउंटर करती हूँ। क्लियर, एनी टाइम डिप में आपने कुछ भी नहीं करना, एनी टाइम आपने इस डिप को बनाना है और सारी की सारी चीजें इसमें एक साथ प्लेस कर देंगे तो आपकी एनी टाइम डिप बन जाएगी। और आज मैंने ऐसा कोई मेस किया हुआ है ना काउंटर पे कि मुझे लग रहा है वो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं ना कि मामा हम आपकी हेल्प कराएंगे, और वो उल्टा काम करके आ जाते हैं, तो बिल्कुल मैंने वही किया है आज। अच्छा, आई एम श्योर कि विजिबल आपको ये आसानी से हो जाए। थोड़ा सा हम एक काम करेंगे, यहाँ पे टमेटोज प्लेस कर देंगे, एक हरी मिर्च इस तरह से प्लेस कर देंगे, सो डैट ये बड़ी रंग बिरंगी से आपको देखने में लगे। जब आप ये पोटैटो पफ्स खाएंगे, इसको आपको सॉस के साथ खाना है तभी मजा आएगा। अगर आप मेरी तरह पोटैटो लवर हैं तो आप इसको पोटैटोज के साथ भी खा सकते हैं। और अब हम कल क्या बनाएंगे, हो सकता है कि कल मेरा और आपका साथ ना हो, क्योंकि आपको पता है कि अभी इलेक्शन का जमाना है और खाने पीने पे ध्यान लोगों का कम होता है, इलेक्शन पे ज्यादा होता है, तो हो सकता है कि कल मेरा और आपका साथ ना हो। लेकिन मंडे से ऑब्वियसली हम दोबारा से होंगे साथ में, दोबारा से हम सफर के खाने बनाएंगे, और वही खाने बनाएंगे जो आपको खाने में भी आसान लगे, फौरन बन जाए, और आधी रात को भी अगर आप खाएं तो भूख मिट जाए और आपको जो है वो मजा आए खा के। आज के लिए इतना ही। आई एम ग्लैड कि मुझे फेसबुक के पेज पे बहुत सारी मदर्स डे से रिलेटेड विशेज आई हैं। आई एम श्योर कि आप अपनी वालिदा के साथ अगर रहते हैं या अगर उनके बगैर भी रहते हैं तो आप उनसे बहुत प्यार करते होंगे, वो आपसे बहुत प्यार करती होंगी, और अगर एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे तो जिंदगी की हर चीज आसान हो जाएगी। आप हमारा पेज भी लाइक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं लाइव किचन विद आयशा अब्रार के नाम से। और इसके साथ साथ आपने अपना और अपने तमाम घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज।